नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक न्यू अपकमिंग सॉन्ग के बारे में अपडेट देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे आर्टिस्ट के न्यू सॉन्ग के बारे में अपडेट देने जा रहा हूं जिनके सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट होते हैं और इनके फैंस इनके सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग ही गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यो यो हनी सिंह के बारे में। दोस्तों यो यो हनी सिंह के काफ़ी दिनों से सॉन्ग नहीं आ रहे थे, पर दोस्तों अब इनका न्यू अपकमिंग सॉन्ग बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी हनी सिंह के फैंस हैं और चाहते हैं कि इनका ये सॉन्ग बहुत जल्द आए, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यो यो हनी सिंह का ये सॉन्ग कब तक आने वाला है। अगर हम यो यो हनी सिंह के बारे में बात करें तो यो यो हनी सिंह ने पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दिए हैं। इनके सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट होते हैं और वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि इनके फैंस इनके सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि इनका कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, तो दोस्तों इनका सॉन्ग धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इस सॉन्ग के 375 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है यो यो हनी सिंह के लिए कि इनके सॉन्ग इतने ज़्यादा वायरल होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि यो यो हनी सिंह का न्यू अपकमिंग सॉन्ग कौन सा आने वाला है, इसका नाम क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग का नाम है प्लेबॉय और ये सॉन्ग बहुत जल्द आ जाएगा। हमें जैसे ही इस सॉन्ग की ऑफिशियल डेट मालूम पड़ेगी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट हो नहीं पाई है। पर दोस्तों हमें जैसे ही पता लगता है वैसे हम आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो ज़रूर बना देंगे, जिसमें हम आपको बता देंगे कि ये सॉन्ग कब तक आने वाला है। अगर आप लोगों को हमारे इस चैनल पर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे भी हम न्यू सॉन्ग की अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।